हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं कमेंट कर बताइए। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो आज इस टाइम बज रहे हैं 10, रात के 10, और हम कहीं जा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मुझे खुद नहीं मालूम, क्योंकि बस ऐसे ही मन कर रहा था, बोर हो रहे थे रूम से। तो अरे भाई, लाइट चली गई क्या? अच्छा नहीं गई भाई, डर गया मैं, लाइट चली गई। ये गाइस लिफ्ट है देखो, और मैं सोच रहा था कि कहीं घूमने जाएं, तो वही निकले भाई घूमने के लिए। अब देखो कहाँ जाते हैं, फिर से हो गया यार, इसको हो क्या गया? तो हम निकले हैं कहीं भाई घूमने के लिए, और अब मैं सोचा कि आप को भी साथ में लेकर चलूं वीडियो के थ्रू, तो इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा कि बना लूं, और मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और वीडियो को देखिए एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं, आप देखिए आगे। और ये दूसरे फ्लोर पे गलती से दब गया था, इसलिए दूसरे फ्लोर पर रुक गई है। मुझे जाना है ग्राउंड पे। इस अपार्टमेंट में भाई मैं ए ब्लॉक में हूँ, और इस अपार्टमेंट में दो लिफ्ट हैं। ये लिफ्ट भी देखिए, एसी लगा हुआ भाई, बहुत खतरनाक भाई। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं इस अपार्टमेंट की, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, मैं आपको इन फ्यूचर दिखाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, देखेंगे कहाँ जाते हैं। मेरा फ्रेंड कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा वहीं जाऊँगा। और मैं बाहर निकल गया, ये देखिए, ये एक लिफ्ट है और ये दूसरी लिफ्ट है, ये दो लिफ्ट है। मैं अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में ए ब्लॉक में आया था, और मेरा अपार्टमेंट है ये बी ब्लॉक में, और बी ब्लॉक है यहाँ पे। और स्कूटी कहाँ भाई, मेरी स्कूटी, और फ्रेंड लेकर आएगा भाई, वो मेरा दोस्त जो है समीर उसका नाम है, और वो चलाएगा। मैं पीछे से ब्लॉगिंग करूँगा, मतलब वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा कैसे अगर मैं स्कूटी चलाऊँगा, वीडियो में मैं कैसे बना पाऊँगा। इसलिए तो ये देखिए भाई, कितनी सारी कारें कार खड़ी हुई है। ओ माय गॉड, ये कौन सी कार, नई कार आई है क्या भाई? ये तो ख़तरनाक लग रही है भाई, कौन सी कार है? अरे ये तो होंडा की है, होंडा एकॉर्ड, ये नई कार है भाई, ये पहली बार देखा हूँ यहाँ पे। ये देखे भाई, सब मारुति सुजुकी, होंडा, टाटा, टाटा पंच, ये टाटा पंच टाटी वी, और ये हमारी प्यारी अल्टो। और ये देख लीजिए भाई, ये मेरा बी ब्लॉक है, मेरा अपार्टमेंट है, यहाँ पे एक ही लिफ्ट लगी है। चलो भाई, गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं, आप देखिए वीडियो को। हैं बोल रहे हैं अलाउड नहीं है, लेकिन अब हम लोग बहुत इनको कैसे बताएं कि मतलब कहाँ जा रहे हैं और कितना इमरजेंसी में है। बहुत इमरजेंसी है भैया, खोल दो, बस आ ही जाएंगे, जल्दी आएंगे, आधा घंटा लगी है, आधा घंटे में आ जाएंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे। अरे चलो यार, आधे घंटे में आ जाएंगे। ये हमारे यहाँ अपार्टमेंट के सामने कुत्ते जो है पहरेदारी करते हैं, और गार्ड भैया तो भाई एकदम गुस्सा हो गए भाई, क्योंकि हम लोगों को उनको बार बार जगाना पड़ता है, इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं कि भाई अब जाएंगे, फिर आएंगे, फिर मुझे उठना पड़ेगा, सो जाते हैं, उनको जगाना पड़ता है। लेकिन भाई हम तो भाई घूमने वाले हैं तो घूमेंगे भाई, रात में ही घूमने का मिलता है, क्योंकि रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और गर्मी कम हो जाती है, इसलिए मज़ा आता है। और वो मज़ा जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मज़ा आता है वो मज़ा आप भी देखिए। सो गाइस, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, और देखिए अब कहाँ तक जाते हैं घूमने। और भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम,
जाता। आप लखनऊ में अगर आएँ तो आप शाम को एक बार ज़रूर घूमें। अगर आपको कोई फ्रेंड है तो उसके बाइक लीजिए उससे और घूमिए, बहुत मज़ा आता है। ब्लॉग इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है। देखते हैं आगे। लखनऊ में मुंबई वाली फीलिंग्स भी आती है। ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये आप देखिए, ऐसी बिल्डिंग्स तो मुंबई में होती है, इतनी ऊंची ऊंची गगनचुम्बी इमारतें। देखिए भाई, ये देखिए भाई, स्वाद आ जाता है इनको देखकर। और ये टेढ़ी पुलिया से थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो उस रोड पे है जो इंटेग्रल यूनिवर्सिटी की तरफ रोड जाता है ना, वहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बिल्डिंग देखिए भाई, इतनी ऊंची है। इस अपार्टमेंट में मैंने सोचा था भाई एक रूम खरीदने के लिए अपार्टमेंट, लेकिन भाई मिल नहीं पाया भाई, पैसा बहुत महंगा है यार अपार्टमेंट में। ये देखिए भाई, और ये क्या है, ब्लश ग्रीन। और ये देखिए कितना खूबसूरत सितारे, सॉरी चंद्रमा की पूरी रोशनी फैली हुई है, थिरकी हुई है। सो गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं क्योंकि गेट का थोड़ा इशू था, गेट जल्दी बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग आ गए। जितना घूम पाए उतना घूमे। और अभी बज रहे हैं 12 और ज़्यादा दूर नहीं जा पाए क्योंकि थोड़ी सी इशू थी, शायद ऊपर से ऑर्डर आया है कि गेट जो है 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग वापस आ गए, रिटर्न आ गए। और तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को, आप अगर नए हैं वीडियो में तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट करें। भाई सपोर्ट, आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, कोई भी नहीं बढ़ सकता किसी के सपोर्ट के बिना कोई आगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।